नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत एडमिशन के संबंधित ढेर सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। मेरे लिए संभव नहीं हो पाता कि आपके सभी सवालों का जवाब मैं लिख कर दे पाऊँ, इसीलिए आपके सवालों के जवाब पर आधारित वीडियो लेकर आती हूँ। तो कभी ऐसा हो आप सवाल लिखे और उसका जवाब आपको ना मिले तो ये मत सोचिएगा कि आपका सवाल पढ़ा नहीं गया है, आपका सवाल पढ़ा गया है और आपके सवाल के जवाब पर आधारित वीडियो जल्द ही आने वाली है। तो आज मैं लेकर आई हूं जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा बच्चा दिल्ली में पैदा नहीं हुआ, या फिर कई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट वह दिल्ली का नहीं है, तो क्या हमारे बच्चे का RT के माध्यम से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला हो सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा दिल्ली में यदि पैदा हुआ है तभी उसका दाखिला RTE के माध्यम से दिल्ली में हो। मतलब कि यदि आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दिल्ली का नहीं है तो तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत के किसी भी राज्य में आपका बच्चा पैदा हुआ है, आपके बच्चे का दाखिला RTE के माध्यम से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में हो सकता है। जरूरी होता है कि बच्चे के जो घर के प्रमाण पत्र है, घर के पते का प्रमाण पत्र है जिसे एड्रेस प्रूफ कहते हैं, वह दिल्ली का होना चाहिए और जो EWS डॉक्यूमेंट है या फिर DG डॉक्यूमेंट है वह दिल्ली का बना होना चाहिए। उन दोनों की जरूरत होती है कि वह दिल्ली के हो, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट कहीं का भी हो सकता है। साथ ही एक और सवाल भी बर्थ सर्टिफिकेट से संबंधित मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वह उसका होना जरूरी है, हमारे पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या करें। ऐसे में भी आपको परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास है कुछ और विकल्प। जैसे कि जिस अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ था, जिस हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ था, यदि आपके पास उसका है कोई भी कागजात जिसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो उसका इस्तेमाल भी आप दाखिला प्रक्रिया में बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में कर सकते हैं। या फिर आपका बच्चा पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी गया था, वहां का कोई कागजात है जिसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखी है, उसका इस्तेमाल भी आप जन्म प्रमाण पत्र के रूप में कर सकते हैं। या फिर कुछ भी नहीं है आपके पास तब भी आप एक सेल्फ रिटन एक डिक्लेरेशन होता है, आप एक खुद लिखा हुआ घोषणा पत्र देंगे जिसका फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी, आप वह भी लिखकर जमा करवा सकते हैं कि हमारे अनुसार हमारा बच्चा इस तारीख को इस साल में हुआ था और आज के बाद से हम इस तारीख को इस तिथि को बदलेंगे नहीं। वह भी जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आप दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में RTE के माध्यम से दाखिले के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बर्थ सर्टिफिकेट संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन अब आपके मन में नहीं होगी। पहला, बर्थ सर्टिफिकेट कहीं का भी चल सकता है। दूसरा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आप अस्पताल का कोई भी डॉक्यूमेंट, आंगनवाड़ी का डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में। और अगर आपके पास अस्पताल का डॉक्यूमेंट या आंगनवाड़ी का डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि खुद लिखा घोषणा पत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वे भी बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में स्वीकृत किया जाएगा दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से दाखिले के लिए। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। साथ ही यदि आपके मन में है कोई भी कंफ्यूजन या शंका आप नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में मुझे बताएं, उससे संबंधित जानकारी मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।